हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कनखल थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चेन स्नैचिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल सहित 1 स्कूटी और लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी सिडकुल में नौकरी कर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वहीं SSP हरिद्वार ने अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। पुलिस के सामने ये एक चुनौती भी थी कि इस तरह का गैंग यहाँ पर काम कर रहा है। कई थानों की टीमें इसमें लगी हुई थी, लेकिन अंततः इसमें जो थाना कनखल है इसकी टीम को सफलता प्राप्त हुई और इस गैंग से जुड़े हुए 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे कि 4 घटनाएं जो पिछले दिनों थाना ज्वालापुर और थाना रानीपुर और कनखल की जो घटनाएं थी इनकी जो चेनें हैं ये बरामद हुई है। इसके अलावा इनसे 2 मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी भी बरामद हुई है जो चोरी की है। ये तीनों अभियुक्त में से एक तो काफ़ी पढ़ा लिखा है, ये डिप्लोमा होल्डर है, बाकी 2 भी इसमें पढ़े लिखे हैं और यहाँ फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये जो सिडकुल में हमारी फैक्ट्री हैं और मुझे लगता है कि जल्दी पैसा कमाने की जो इच्छा है या इस तरह की जो चाहत है उसने इनको इसमें धकेला है। इनका पूर्व इतिहास भी हम पता करने का प्रयास करें। जब ये घटनाएं हो रही थी तो बीच में एक ज्वालापुर का महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा था जिसमें हमारी पुलिस का फोकस था। जब वो केस वर्कआउट हो गया तो फिर हमने सारा अपना ध्यान इस ओर लगाया। टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा। फिलहाल पुलिस के द्वारा इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर आगे और भी कार्रवाई होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।